नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप आधार कार्ड अपने मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जी हाँ, और नए अपडेट के साथ। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो से संबंधित कोई समस्या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में शो हो रहे बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि पाए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन करना होगा, जी हाँ। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यही फायरफॉक्स ब्राउज़र है, तो इससे हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से हम फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको सर्च बार में टाइप करना होगा उदय। तो यहाँ पर हम सीधे सर्च बार में टाइप कर लेते हैं उदय। तो सिर्फ आपको उधर लिखकर सर्च कर देना है। तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन बंद है, तो इसे हम पहले ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के बाद यहाँ से फिर से सर्च पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में उधर का मेन वेबसाइट या ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड डाउनलोड करने पर जो अपडेट आया है, तो इस उसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पर वेबसाइट देखिए अभी पूरा लोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर गेट आधार का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसी में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड आधार, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, तो आप इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना होगा। तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी या कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर हम आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम अपना आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आधार नंबर हिट किया गया है। तो आधार नंबर इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर आई वांट ए मास्क आधार, यदि आपको मास्क आधार चाहिए या जिसमें आधार कार्ड में है स्टार स्टार लिखा होता है, आधार कार्ड शो नहीं होता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वही आधार कार्ड डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड है, तो वही इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद तो अब आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर जो आप आधार बनवाते वक्त मोबाइल नंबर दिए होंगे, उसी नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है, तो हम इसे इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी हम इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओटीपी इंटर होने के बाद यहाँ पर अब आपको रीड कर लेना है। तो वैसे इसमें यस रहेगा, हम इसको जूम करके दिखा देते हैं, लेकिन इसमें यस रहेगा। तो इसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो यस कर देंगे तो कोई आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखे आधार लेटर फ्रॉम उदय वेबसाइट। तो क्योंकि आप इसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप विद इन 5 वर्किंग डेज, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप मोर देन 15 डेज पे आपको क्लिक कर दीजिए, नहीं डिड नॉट रिसीव, तो आपको यहाँ पर अब वेरीफाई एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल व्यूअर आप गूगल ड्राइव में या आप फायरफॉक्स ब्राउजर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने इसमें कुछ डाउनलोड नहीं किया था, तो यहाँ पर अलाउ कर दिया। तो अभी से हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए भी अलाउ करेगा, तो यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको आधार नंबर में एक पासवर्ड होता है, वही आपको इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हमने फिर से डाउनलोड पर गए, तो यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर दिए। तो यहाँ से आधार हमारा वही है,
अब हम यहाँ से पासवर्ड आपको लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड आपका जो नाम है वही कैपिटल लेटर में, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ की जो सन है या ईयर वो आपको लिखना है। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड हमारा शो होने लगा है। तो ऐसे ही अपना भी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको आधार से या मोबाइल से कैसे आधार डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो से संबंधित कोई समस्या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के।